कहानी शेर की। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पर, जहां आज हम शेर की कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड मिस ना करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली कहानी है हाथी और शेर की। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ही घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के कारण उससे थर थर कांपते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर करने निकला। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बतलाओ जंगल का राजा कौन है? खरगोश ने डरते हुए और कांपते हुए बोला, महाराज आप हैं। शेर हंसते हुए आगे बढ़ा और रास्ते में उसे हिरन मिला। शेर ने हिरन से वही सवाल किया कि बताओ जंगल का राजा कौन है? तो हिरन ने भी डरते हुए जवाब दिया, महाराज आपके अलावा और कौन ही हो सकता है? शेर हिरन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब रास्ते में शेर को भालू मिला। शेर ने फिर वही सवाल किया और शेर को फिर वही जवाब मिला। अब शेर बहुत ज़्यादा खुश था और अपना रूप दिखलाता हुआ जा रहा था। रास्ते में जो भी जानवर मिलता उसे यही सवाल करता और अपना मनचाहा जवाब सुनकर खुश होता। उसी रास्ते में एक हाथी आ गया। तभी रास्ते में शेर को हाथी मिला। शेर ने हाथी से भी पूछा, बतलाओ जंगल का राजा कौन है? हाथी पहले से ही किसी बात पर गुस्से में था। शेर की बेतुकी बात सुनकर उसे और अधिक गुस्सा आ गया और हाथी ने अपनी सूंड में शेर को फंसाया और ऊपर उछालकर पटक दिया। अब हाथी ने शेर से पूछा, अब बताओ जंगल का राजा कौन? हाथी से पिटाई खाकर शेर को बहुत दर्द हो रहा था। शेर बोला, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। अब मैं समझ गया कि हर जगह अपनी हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। शिक्षा, शेर और हाथी की इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी है शेर और मधुमक्खी की। एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती और फूलों का रस लेकर वापस छत पे आ जाती। शेर को मधुमक्खी का इस प्रकार अपनी गुफा के आसपास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास गई। मधुमक्खियों की रानी आकर साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी सी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ और उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खी की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने क्यों मंडराते रहते हो? अगर तुम लोग मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो शेर की ये बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, महाराज मैं मधुमक्खी की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस लेकर शहद बनाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। इस बात से शेर नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो एक छत्ते में रहने वाली कुछ मधुमक्खी की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। इस बात से सभी मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और सभी मधुमक्खियाँ शेर से बदला लेना चाहती थी। एक दिन जब शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छत्ते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियाँ शेर को काटने लगी। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर डर से बुरी तरह चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियाँ अपना बदला ले रही है। अब वो किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहाँ से भागता गया, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर ने एक नदी में छलांग लगा दी। नदी में कूदने के बाद भी मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस तरह से पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों के डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। शिक्षा, शेर और मधुमक्खी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।